फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप टॉयलेट क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहते। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि टॉयलेट क्लीनर का ग्लोबल मार्केट साइज काफी ज्यादा बड़ा है और इंडिया में मार्केट साइज की बात करें तो फ्रेंड्स इंडिया में 6,163 मिलियन US डॉलर का मार्केट साइज है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इंडिया में भी टॉयलेट क्लीनर का कितना ज़्यादा डिमांड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस डिमांडेबल इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को अजमाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है टॉयलेट क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप टॉयलेट क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो है आपका लघु उद्योग के अंतर्गत आता है, तो आप इसको लोन लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सारी चीज़ हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको टॉयलेट क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, आपको 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसमें आपका प्रोडक्शन एरिया, एडमिन एरिया और स्टोरेज एरिया इंक्लूड है। इसके बाद जो है आपको 2 नंबर ऑफ मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन इसके बाद जो है आपके पास में सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए आपके लोकल मार्केट का। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में आपके लोकल मार्केट का सर्वे रिपोर्ट होगा टॉयलेट क्लीनर का, तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से जो है आप मार्केट को पेनिट्रेट कर सकेंगे। इसके बाद जो है आपके पास में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको टॉयलेट क्लीनर बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल में बात करें तो सबसे पहले आपको वाटर लगेगा, इसके बाद जो है आपको एसिड कलर लगने वाला है, देन इसका जो है आपको एसिड थिकनर लगेगा जो नोवो एमाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सिटिक लगेगा जिसका नाम है सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद HCl एसिड लगेगा, परफ्यूम लगेगा और लास्टली जो है आपको पैकेजिंग मटेरियल लगेगा, यानी फ्रेंड जो भी बोतल में आप पैक करेंगे सॉल्यूशन को वो बोतल लगेगा और प्रिंटेड रेपर टैप आपको लगने वाला है। तो मेनली यही सारे रॉ मटेरियल आपको लगने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस आपको लगने वाले हैं। लाइसेंस में सबसे पहला जो है आपको ट्रेड लाइसेंस लगेगा, जिसको गुमत्सा लाइसेंस भी बोलते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन लगने वाला है और GST रजिस्ट्रेशन लगेगा। और यहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट में दावा करते हैं कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो है 99% जो है जर्म किल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको अलग से एक ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो है आप इसी 3 लाइसेंस को लेके जो है आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करें कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से मशीन आपको लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मशीन परचेस करके भी जो है आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी स्टार्ट करना चाहें तो आप मैनुअली भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मशीन है आपको ब्लेंडिंग मशीन लगेगा, जिसको लिक्विड एजिटेटर मशीन भी बोलते हैं। 25,000 रुपये इसका प्राइस है विथ हाफ HP मोटर के साथ में, ठीक है। इसके बाद जो है आपको फिलिंग मशीन यहाँ पे लगेगा, जो फिलिंग मशीन है 75,000 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्राइस वाले परचेस करते हैं। इसके बाद जो है आप वेजिंग मशीन भी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, अदरवाइज जो है आप ऊपर के 2 मशीन में ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करें टोटल मशीन कॉस्ट का तो 1,20,000 जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आता है। इसके बाद अगर आप इस बिजनेस को मैनुअली स्टार्ट करना चाहते हैं घर से, तो यहाँ पे आपको ये 500 रुपये का ड्रम लेना पड़ेगा, एक PVC पाइप लेना पड़ेगा जो कि आपका 100 से 200 रुपये में आ जाता है, और इसी के थ्रू जो है आप लिक्विड को जो है इसमें ब्लेंड कीजिएगा। ब्लेंड करने के बाद जो है आपको फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसको जो है आपको मैनुअली जो है बोतल में फिल करके जो है आपको उसको पैकेजिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप मैनुअली इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप मिनिमम जो है 20,000 के इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने फिलिंग मशीन नहीं देखा तो ये देख सकते हैं, ये जो है मैं इंडिया मार्ट से निकाला हूँ, तो देख रहे हैं 78,000 रुपये पर पीस इसका प्राइस दिख रहा है। और ये जो है आपका हाफ HP मोटर के साथ में ब्लेंडिंग मशीन है जिसका प्राइस 10 रुपये पर यूनिट है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मशीन के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना लगने वाला है। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मशीन के साथ में अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो मशीन परचेस करने में आपको 1,20,000 का टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद जो है आपको बोतल परचेस करना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पैकेजिंग मटेरियल आपको परचेस करने पड़ेंगे, तो 8 से 9 रुपये पर पीस आपको मिल जाता है। और यहाँ पे 500 पीस का पहले हम लोग कंसिडर करेंगे तो 5,000 रुपये आपको लगेगा बोतल के पीछे। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आपको परचेस करना पड़ेगा, वाटर, एसिड कलर, एसिड थिकनर, HCl एसिड और परफ्यूम, इसके लिए आपको 10,000 रुपये इनिशियल आपको लगाने पड़ेंगे। देन इसका वर्किंग कैपिटल आपको 25,000 आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका 1,60,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है वर्किंग कैपिटल के साथ में। तो अगर आप टॉयलेट क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट में मशीन के साथ जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप इस बिजनेस से
पर डे और पर मंथ कितना अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप एक लीटर आपको टॉयलेट क्लीनर बनाने में आपको कितना कॉस्टिंग आता है और उसको आप मार्केट में कितना में सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूरा प्रोडक्शन दिखाया है कि अगर आप एक लीटर का टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं तो उसमें जो है आपको कितने अमाउंट का रॉ मटेरियल आपको खर्च होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वाटर की बात करें तो आपको 700 ml जो है आपको वाटर लगेगा, जिसमें कोई प्राइस नहीं लगने वाला है। एसिड कलर जो है 5 ml, जिसमें 20 पैसा आपको लगेगा। एसिड थिकनर जो है आपको 30-40 ml लेना, जिसमें आपको 5 रुपये खर्च हो जाएगा। HCl एसिड जो है आपको 300 ml लेना, जिसमें 1.5 रुपये खर्च होंगे। और परफ्यूम यहाँ पे 7 ml लेना, जिसमें आपका 25 पैसा खर्च होगा। और यहाँ पे बोतल और प्रिंटेड स्टिकर जो है आपको यहाँ पे मिला के जो है 9 रुपये आपको खर्च आने वाला है। लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 रुपये खर्च आएंगे। तो टोटल यहाँ पे एक लीटर आप टॉयलेट क्लीनर बनाएंगे तो आपका 18 रुपया कॉस्टिंग आने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि एक लीटर टॉयलेट क्लीनर बनाने में आपको 18 रुपया खर्च आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है कि आप जो भी टॉयलेट क्लीनर बनाएंगे 18 रुपये में, उसको आप मार्केट में 50-60 रुपये में सेल करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप जो है हार्पिक हुआ, ऐसे कई तरह के अलग अलग लोकल ब्रांड्स भी है, तो सबसे पहले आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाके जो है इनका प्राइस पता कीजिए, इसके हिसाब जो है आप अपना प्राइस सेट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 50-60 रुपये कंसिडर किया है। तो ये जो रेट है लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि सेलिंग प्राइस में वेरी एज पर लोकेशन। तो अगर आप पूरे दिन भर में 100 लीटर पर डे अगर आप टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं तो आप पर बोतल अगर 30 रुपये मार्जिन रखते हैं तो इसके हिसाब से जो है आपका पर डे का जो कमाई है 3000 रुपये होता है। तो अगर आप पूरे महीने के कंसीडर करें तो फ्रेंड्स आपका 90,000 जो है आपका नेट प्रॉफिट जो है आपका निकल के आने वाला है इस बिजनेस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिसाइड आपको करना है कि आपको टॉयलेट क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले जो है मैंने आपको बताया कि आपके पास सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए आपके लोकल मार्केट का, आपके लोकल मार्केट में टॉयलेट क्लीनर का सप्लाई जो है कौन कर रहा है, या आपके एरिया में कोई ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ की जब जानकारी होगी तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से इस बिजनेस में जो है आप इन्वॉल्व होकर जो है आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को जानकारी हो गया कि आप कितना इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं पूरे महीने में। तो अब हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में कि आपको जो है अपने बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितना भी हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है, आपको वहाँ पर अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा जो है जितने भी रेलवे वेंडर्स है आपको उसको भी अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे वेंडर्स को जो है टॉयलेट क्लीनर के काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। देन इसके बाद जो है जितने भी ऑफिस बैंकिंग इंस्टीट्यूट हुए हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी जाके जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप B2B और B2C मार्केट प्लेस पर भी जो है आप खुद को जो है एज ए सेलर रजिस्टर करके जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जो है आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डिजिटल प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। तो जितने भी फेसबुक इंस्टाग्राम हुए तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर अपना इंडिविजुअल पेज बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है आप खुद का एक वेबसाइट तैयार कीजिए। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया कैंपेन भी करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप सोशल मीडिया कैंपेन रन करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में और आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी। और आप लोगों को पता है कि जो चीज दिखता है वही चीज बिकता है। अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो फ्रेंड्स आपका सेल भी इंक्रीज होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आप इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके जो है आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे सका कि अगर आपको टॉयलेट क्लीनर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी क्वेरी आती थी कि सर हम लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे बट हम लोग लोन लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोन हम लोग कहां से ले, किस स्कीम के अंदर ले। फ्रेंड्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स आप लोग मेरा दूसरा चैनल YMW फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आपको वहीं पे जो है ये सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में धन्यवाद, जय हिंद।